हाउनीज ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखिए जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी का एक लाख सत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला तुरंत करें चेक चलिए आगे देख लेते हैं प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड एथेंटिक न्यूज हो आप तक पहुंच सके चलिए देखते हैं बीपीएससी ने लिया बड़ा फैसला कैंडिडेट को आपत्ति उठाने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा इसके बाद उसे संख्या पर क्लिक करना होगा जिसे भी चुनौती देना चाहते हैं मतलब ये जो न्यूज है आपको पुनः मौका दिया है अगर आपको आंसर की के प्रति कोई आपत्ति हो तो उसके प्रति आपत्ति दर्ज कराने के लिए बीपीएससी ने डेट को बढ़ा दिया है ठीक है तो इसीलिए बीपीएससी का ये बहुत बड़ा फैसला है कैंडिडेट को आपत्ति उठाने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा इसके बाद उसे संख्या पर क्लिक करना होगा जिसे भी चुनौती देना चाहते हैं साथ ही ऑब्जेक्शन को सपोर्ट करने वाले दस्तावेज प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करके आप आपत्ति उठा सकते हैं अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेट्स भी दिए गए हैं जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को की आपत्ति उठा सकते हैं चलिए देख लेते हैं अब ये भी आप जान लीजिए कि बी पी एस सी शिक्षक भर्ती दो हजार तेईस का आयोजन चौबीस पच्चीस और छब्बीस अगस्त को किया गया था आंसर की के आपत्ति विंडो पाँच सितंबर को खोली गई थी इसके तहत सात सितंबर दो हजार तेईस तक ऑब्जेक्शन उठाने का मौका दिया गया था लेकिन अब आयोग ने इसे बढ़ाकर ग्यारह सितंबर दो हजार तेईस कर दिया है आयोग आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की और परिणाम जारी करेगा जिसके जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद है ज़्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निरीक्षित करें देखिए यहाँ भूल बस हुई है विकसित खरें लिख दिया गया है टाइप करने में मिस्टेक हुई है ठीक है विजिट करें ये कह सकते हैं विजिट करें चलिए आगे देखते हैं बी ने एक लाख सत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती के संबंध में एक अहम फैसला लिया है बी इस रिक्रूटमेंट के लिए आयोजित होने वाली स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की आंसर की पर ऑब्जेक्शन की डेट को आगे बढ़ा दिया है आपत्तियां दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों के पास अभी ग्यारह सितंबर तक का समय है अब आ... ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक यह काम नहीं किया है या कर पाया है तो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ठीक है चलिए आगे और देख लेते हैं इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और इसके बाद अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप आपत्ति उठाइए इसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए आप इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लें जिसे कोई भी बाद में समस्या हो तो आप उसका जवाब देने में सक्षम रहें तो ये थी बी की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी तक आंसर की पर चैलेंज नहीं कर पाए हैं किसी कारण बस तो अगर उनको किसी भी आंसर पर आपत्ति है आयोग के आंसर पर आपत्ति है तो वो जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं इसीलिए आयोग ने क्योंकि 7 सितंबर को जो लास्ट हो चुका था आपत्ति दर्ज करने का उसका एक बार फिर से मौका आपको दिया है मीन्स अब आप जो है यह आपत्ति 11 सितंबर 2023 तक उठा सकते हैं ठीक है तो इतनी सी ही बात थी अगर किसी को कोई भी आपत्ति हो तो प्लीज़ आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं तो बस इतना ही प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों को शेयर करें जिससे सबको जानकारी हो सके अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ओके थैंक यू